Good morning, students. Welcome back to our math class. So today we are going to discuss our next chapter. That is, I think it's data handling and pictograph. आज हम जो सॉल्व करेंगे वो डेटा हैंडलिंग और पिक्टोग्राफ के बारे में सॉल्व करेंगे, ठीक है. और ये अभी हम लोगों ने फर्स्ट पेपर में पढ़ा भी, फर्स्ट बुक में, सॉरी पेपर में नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बुक में हम लोगों ने पढ़ भी लिया ये, ठीक है. तो सबसे पहले डेटा हैंडलिंग होता क्या है, ठीक है. ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं या लिस्टिंग करते हैं, मतलब लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, या किसी भी एक्सप्रेशन में हम शो करते हैं इंफॉर्मेशंस को जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दी गई होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए गिवन होती हैं, ठीक है. मतलब कि आपके पास जो नंबर ऑफ जो भी लिस्ट होगा या जो भी आपका क्या बोलते हैं इसको इंफॉर्मेशंस होंगे वो काफी ज्यादा होंगे, ठीक है. तो उसको हम किस जिस प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू उसे कलेक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, डेटा हैंडलिंग बोलते हैं, ठीक. तो ये कई प्रकार के कई टाइप्स में हम इसे शो कर सकते हैं. फर्स्ट क्या है हमारा, बार ग्राफ. मतलब हम अपने डेटा को एक बार ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं, ठीक. इसमें क्या होता है, हॉरिजेंट टू लाइंस होती है, वन हॉरिजेंटल एंड वन वर्टिकल, ठीक है. ये दो लाइन हमारे डेटा को सॉल्व करने में हमारी मदद करती हैं, ठीक. सपोज यहाँ पे ये स्पोर्ट्स दिया गया है और ये स्पोर्ट्स में कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्पोर्ट्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो कर रहा है, ठीक. तो कौन से स्पोर्ट में कितने बच्चे हैं वो ये जो हम बार ग्राफ बना रहे हैं ना, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है. अब हम वन बाय वन, मान लो हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हम एक एक का ऐसे लिखेंगे थोड़े ना कि मतलब फर्स्ट जिसका है वो क्रिकेट में है, तो कोई वॉलीबॉल में है, तो सबका एक एक करके लिखेंगे तो वो हमारे लिए भी लेंथी हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से स्पोर्ट में कौन है, ठीक है. तो ये डेटा हैंडलिंग जो है वो हमारी इस चीज में मदद करता है. नेक्स्ट आपका होता है पाई चार्ट. ये एक सर्कल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक. और उस सर्कल को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और जिसका जो आपका कलेक्शन होता है, जो आपका लिस्टिंग होती है, उसको वैसे इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम शो करते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट आपका पिक्टोग्राफ के थ्रू है. मतलब अपने डेटा को आप किसके थ्रू, पिक्चर्स बना के आप उसको शो कर सकते हो, ठीक. और नेक्स्ट आपका आता है टैली चार्ट. ये जो मार्क लग रहा है ना, ये टैली मार्क बोले जाते हैं, ठीक. ये देखो, ये 5 को इंडिकेट करता है, ठीक है. तो जो टैली चार्ट होता है वो टैली मार्क्स के थ्रू हम इंडिकेट करते हैं, ठीक. ये एक मेथड होता है डेटा को कलेक्ट करने का, ठीक. तो इसको हम ऐसे यूज करते हैं, 1 के लिए ये होगा, 2 के लिए ऐसे, 1 के 1 को रिप्रेजेंट करेगा ये 2 को, ये 3 का हो जाएगा 3 ऐसे, 4 आपका ये हो जाएगा 2, 3 एंड 4, 5 आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे क्रॉस हो जाता है 5, ठीक. तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे. आई थिंक इसमें का ये जो दिया गया है ये रॉन्ग गिवन है, इसे इस साइड से नहीं क्रॉस करते हैं, इसकी साइडिंग इधर से होती है, ठीक है. ऐसे लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक. अब उसी बेसिस पे हमारा एक्सरसाइज 12.1 है, बार ग्राफ पे है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बार ग्राफ गिवन बिलो शोन द इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्टेंस द स्टूडेंट्स कवर टू रीच द स्कूल. ये जो बार ग्राफ शो कर रहा है ये वो स्टूडेंट्स का बता रहा है कि वो स्कूल कितने डिस्टेंस कवर करके आते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चंस दिए गए हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लिव एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल. स्कूल से 5 किलोमीटर दूर कितने स्टूडेंट रहते हैं. देखो तो 5 किलोमीटर यहाँ पे दिख रहा है और ये नंबर, ये डिस्टेंस गिवन है और ये नंबर गिवन है चार्ट में. तो ये 5 किलोमीटर यहाँ पे है और ये कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो कर रहा है. तो जहां पे ये एंडिंग हो रही है ना ये लाइन, इसी को हम मैच करते हैं. तो देखो 50, तो यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहते हैं स्कूल के, ठीक. तो इसके बाद क्या होता है, ठीक है. तो वैसे ही क्वेश्चंस को आपको रीड करना है एंड आपको आंसर्स करने हैं, ठीक. तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाला मैं बता देती हूँ, सेकंड उस सेम वैसे ही प्रोसेस में आपको डेटा दिया गया होगा और आपको बस क्वेश्चंस को रीड करके उनके आंसर्स देने हैं, ठीक है. तो बी क्या कह रहा है, देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट द स्टूडेंट कवर टू कम
टू स्कूल हाउ मेनी, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा है जो स्टूडेंट कवर कर रहे हैं स्कूल आने के लिए, ठीक है, और कितना है वो। तो स्मॉलेस्ट देखो, इन सब में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये है ना 2 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 30 आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे पहले स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है, 2 किलोमीटर, एंड कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, ठीक है, 30 स्टूडेंट, ठीक। इसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड हाउ मेनी, सबसे कम डिस्टेंस कौन, कितने स्टूडेंट कवर कर रहे हैं। तो सबसे कम इनमें से सबसे कम कौन कर रहा है, देखो 20 स्टूडेंट्स जो है वो 15 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस सबसे, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है 15 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस है वो, 15 किलोमीटर है, और कितने स्टूडेंट कवर कर रहे हैं, 20, ठीक। आइडेंटिफाई द टू डिस्टेंस फ्रॉम विच सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट कम, आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे डिस्टेंस को सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट कवर कर रहे हैं, मतलब दोनों ऐसा डिस्टेंस, दो अलग अलग डिस्टेंस है और दोनों को समान बच्चे कवर करके स्कूल आ रहे हैं, ठीक। तो आप अपना डेटा देखोगे, देखो ये तो सबसे ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा है, इसमें उससे कम है, ये और ये, मतलब 2 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर बिल्कुल सेम है ना, 30 से 30 स्टूडेंट इसमें आ रहे हैं। तो कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा ये, 2 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कवर एंड हाउ मेनी, कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जिसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कवर कर रहे हैं और कितना, कितने बच्चे कर रहे हैं। तो ये 8 किलोमीटर वाला सबसे ज्यादा है, और कितने बच्चे कवर कर रहे हैं, 60, तो ये आपका हो जाएगा 8 किलोमीटर, और ये क्या हो जाएगा, 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ये था, सेकेंड आपका करना है, करिएगा इसको। इसके बाद आपका आता है पाई चार्ट, पाई चार्ट के थ्रू आपको बताने हैं। तो द सर्कल चार्ट गिवन बिलो शोन द इन्फॉर्मेशन ऑन द फेवरेट गेम ऑफ 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट का ये दिया गया है, ठीक है, और आपको ये बताने हैं कि कौन सा कौन कितना कवर कर रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको कंप्लीट सर्कल दिख रहा है, और कंप्लीट सर्कल इसका मतलब इसमें कितने होंगे, 60 स्टूडेंट होंगे पूरे, ठीक। तो हाफ, ये तो हाफ दिख रहा है ना, ये हाफ, हाफ क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, तो 60 का हाफ क्या हो जाता है, 60 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 30, मतलब 30 स्टूडेंट क्या है, क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, ठीक। अब इनका देखो, ये बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है ना, तो 60 से 30 तो इसमें चला गया, बचा कितना, 30 ही बचा है ना। तो ये इस कितने पार्ट में ये डिवाइडेड है, इक्वल है, तो 1, 2, 3 पार्ट में है ना, तो हम क्या करेंगे, 30 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10, क्या आएगा, 10 आएगा ये, ठीक है। तो मतलब 10 इसमें चेस खेल प्ले करते हैं, 10 शटल कॉक है, और 10 वॉलीबॉल है, ठीक है। विच गेम हैव सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन से गेम में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, आप ये बता दोगे कौन कौन से में है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वैल्यू मुझे कम, ये कम है, ये वैल्यू, ये दोनों इक्वल है, ये डिस्टेंस जो होगी ये इक्वल है, और ये देखो ये इतना है और ये कम है, ठीक है, ये वैल्यू कम है। तो हमें 30 को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये जो दोनों हो वो सेम हो जाए और ये वैल्यू इनसे कम आए, ठीक। तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमें 30 को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इनमें सेम वैल्यू आए, ठीक है। तो 30 है ना, तो 30 क्या करेंगे हम इसको, ये दोनों, इन दोनों का हाफ है ये वैल्यू, ठीक। तो अगर मैं रखूं, हमें ऐसा नंबर चूज करना है कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएं और इनका हाफ जो है ये वैल्यू आ जाए, और उसको 30 में ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं 10 लिया तो वो तो इक्वल हो जाएगा, 10 यहाँ पे इक्वल हो गया था, तो 11 से लेते हैं, 11 किया, तो ये आपका हो जाएगा
22 एंड 8, तो 8 तो हाफ होता नहीं है, तो अगेन 12 एंड 12 लेंगे, तो ये 24, और फिर 24 एंड ये 6 बचेगा ना, तो 12 का ये हाफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा क्या, ओनली 6, ठीक। अब यहाँ पे आपको बताना है विच गेम हैज सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आपका ये वॉलीबॉल एंड शटल कॉक हो जाएगा। विच गेम हैज मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्रिकेट हो जाएगा। विच गेम हैज लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट, चेस हो जाएगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रेन लाइक क्रिकेट गेम, फ्रैक्शन पूछा है, तो टोटल आपका क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, और ये टोटल हाफ लिया है ना, तो ये 2 हो जाएगा, तो 1/2, मतलब हाफ में ये है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, सबका बता देना है। सेम बी वाला भी इसी तरह करना है, ठीक, करिएगा। पिक्टोग्राफ एंड टैली चार्ट आपको इंडिकेट करना है, देखो तो ये यहाँ पे रॉन्ग दे रहा है, आपका जो टैली मार्क का होगा वो इस साइड से होगा, ठीक, इधर से नहीं होगा। तो द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ वेरियस फ्रूट्स इन अ शॉप, इस पिक्टोग्राफ में वेरियस नंबर ऑफ फ्रूट्स आपको शो किए गए, किसके थ्रू, फ्रूट्स के थ्रू, ठीक है। तो की क्या गिवन है, वन पिक्चर मीन्स 10 फ्रूट, मतलब एक पिक्चर किसको, कितने को इंडिकेट कर रहा है, 10 फ्रूट्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। तो हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन अ शॉप, एप्पल में कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 एप्पल है, एंड 1 एप्पल कितने को इंडिकेट कर रहा है, 10 को, तो कितने एप्पल हो जाएंगे, 40, ठीक। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बनानाज एंड मैंगोज, बनाना और मैंगो के बीच में डिफरेंस बताना है, तो जगह 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 70 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये 90 है, तो 90 - 70 हो गया 20, ठीक। नेम द फ्रूट विच इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, कौन सा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में, गवावा, ठीक। तो ऐसे टैली मार्क को भी इस तरह इंडिकेट करना है, ठीक। जैसे टैली मार्क में क्या है कि फुटबॉल में कितने हैं, 15 है, रग्बी में कितने हैं, ये 15 हो गया, 18 है, ठीक है। वॉलीबॉल में कितने हैं, ये 10 13 है, टेनिस में कितने हैं, ये 20 है, ठीक है। अब बस इसी बेसिस पे आप आंसर दे दीजिएगा, ये 5 को इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए ये रॉन्ग है, आपका जो प्रोसेस वो होगा टेलीमार्क का वो इधर साइड से होता है, ठीक। चलिए बाकी करिएगा, नहीं ये भी बचाना, अप्लाई योर स्किल्स, तो इसको ये आप करिएगा, क्या करना है, काउंट द शेप एंड कलर द बार फॉर ईच शेप इन एडजॉइनिंग बॉक्स, ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं इनको क्या करना है, कलर करना है, आप इन शेप को काउंट करके उतना आपको यहाँ पे कलर करना है, ठीक। इसे ये कितना है, 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे 4 कलर कर दीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 कलर करिएगा, ठीक है। इस तरह कलर करके आपको दिखाना है, तो करिएगा इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।